टमाटर के बाद अब सस्ते में प्याज बेचेगी सरकार। 25 रुपए किलो होगी बिक्री, सोमवार से यानी कि आज से शुरुआत होगी। केंद्र सरकार ने 40% निर्यात शुल्क लगाने के बाद एक और फैसला किया है। NCCF द्वारा प्याज की बिक्री की जाएगी। सरकार ने बफर स्टॉक से जारी होने वाले प्याज की मात्रा बढ़ा दी है। अब सरकार 3 लाख मीट्रिक टन की बजाय 5 लाख मीट्रिक टन प्याज जारी करेगा। साथ ही सोमवार से NCCF प्याज की बिक्री करेगा। सरकार रियायती प्याज 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचेगी। प्याज की कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने एक और फैसला किया है। सरकार ने बफर स्टॉक जारी होने वाले प्याज की मात्रा बढ़ा दी है। अब सरकार 3 लाख मीट्रिक टन की बजाय 5 लाख मीट्रिक टन जारी करेगी। शनिवार को ही एक्सपोर्ट पर 40% ड्यूटी लगाई थी। 11 अगस्त को 3 LMT प्याज बफर स्टॉक से जारी करने का फैसला लिया गया था। सरकार ने 3 लाख मीट्रिक टन की शुरुआती खरीद लक्ष्य को पाने के बाद इस वर्ष प्याज बफर की मात्रा को बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस संबंध में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने NCCF और NAFED नेफेड को प्रमुख उपभोग केंद्रों में खरीदे गए स्टॉक के कैलिब्रेटेड निपटान के साथ अतिरिक्त खरीद लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1 लाख टन की खरीद का निर्देश दिया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख बाजारों को लक्षित करते हुए बफर से प्याज का निपटान शुरू हो गया है। जहां खुदरा कीमतें ऑल इंडिया एवरेज के ऊपर है या पिछले महीने की तुलना में काफ़ी अधिक है। आज तक बफर से लगभग 1400 मीट्रिक टन प्याज बाजारों में भेज दिया गया है और उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगातार जारी किया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच घरेलू उपभोक्ता बढ़ाने के लिए शनिवार को प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया था। प्याज पर 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर यह एक्सपोर्ट ड्यूटी जारी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।